नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा। दिव्य हिमाचल अपनी माटी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपनी माटी में लेकर आए हैं किसान बागवान भाइयों के लिए कुछ खास वीडियो, तो आइए नजर डालते हैं अपनी माटी पर। देसी गाय के लिए हिमाचल क्रेजी, पहाड़ से लेकर मैदानों तक बड़ी डिमांड। देसी नुस्खे से बीज की पावर डबल कर देते हैं ओंकार सिंह। बंजर जमीन पर कॉफी उगाकर हजारों किसानों को दिखाई कामयाबी की राह। मिर्च मटर और टमाटर को तर रखें, प्याज में डालें नाइट्रोजन। और अब समाचार विस्तार से। यूं तो हिमाचल के मैदानी इलाके भैंस पालन के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड बदलने लगा है। पहाड़ से लेकर मैदानों तक अब देसी गाय पहली पसंद बन गई है। माना जा रहा है कि ज्यादातर लोग दूध के उत्पादों में मिलावट से बचने के लिए देसी गाय की तरफ मुड़े हैं। इसके अलावा देसी गाय के दूध का स्पेल भैंस के मुकाबले काफी लंबा चलता है। इसी तरह इन दिनों गौमूत्र और गोबर की भी मांग खूब है। चाहे छोटा किसान हो या फिर बड़ा व्यवसायी या अफसर, हर कोई घर में देसी गाय रखना चाह रहा है। दूसरी ओर पशुपालन विभाग भी मान रहा है कि दुधारू पशुपालन का ट्रेंड चेंज हुआ है। विभाग की ओर से वेटनरी हॉस्पिटल को मुहैया कराए गए सिमन में बढ़ोतरी हुई है। विभाग ने पिछले वर्ष प्रदेश भर में देसी नस्ल की शाहीवाल गाय के 71,528 सिमन पशु चिकित्सालयों में भेजे हैं। इसके अलावा रेड सिंधी गाय के 1,09,315 सिमन पहुंचाए हैं। देसी गाय का सबसे ज्यादा रुझान चंबा जिले में बड़ा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी से हमारे सहयोगी नितिन राव ने वेटनरी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अजमेर सिंह डोगरा से बात की। प्रदेश में देसी नस्ल पालन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। इस साल 71,500 साहीवाल नस्ल के सीमन स्ट्रॉ और 1,09,000 रेड सिंधी के जो सीमन स्ट्रॉ हैं, वो जो जितने भी हमारे कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है उनमें उपलब्ध है और पशुपालकों में इसका रुझान काफी बड़ा है। और जो इच्छुक पशुपालक हैं, वो जो हमारे जितने भी गर्भाधान केंद्र हैं वहाँ उपलब्ध हैं और वहाँ से अपने इन जो स्ट्रॉज को प्राप्त करके अपनी गायों में लगवा सकते। आज अंग्रेजी खाद और रसायन स्प्रे करने के बाद भी आलू अदरक का साइज घट रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठता है कि आखिर 20 साल पहले किसानों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि सब्जी का साइज काफी बड़ा होता था और वह भी बिना किसी स्प्रे या उर्वरक के। इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए अपनी माटी की टीम ने। ऊना से हमारे संवाददाता एम के जसवाल कांगड़ा जिला के बालामुखी में एक छोटे से गाँव डोहोग देरिया पहुंचे। इस गाँव के होनहार किसान है रिटायर्ड सूबेदार मेजर ओंकार सिंह। ओंकार ने बताया कि कैसे बिना स्प्रे आदि के भी सब्जी का साइज बड़ा हो सकता है। वे आज भी पुराने नुस्खों में यकीन रखते हैं और इन्हीं से सीख पाकर कई किसान इसे अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीज को लगाने से पहले आधे घंटे तक गोबर गौमूत्र और चूने के घोल में डाल लें, इसके बाद बीज को सुखा लें। फिर देखिए कमाल कैसे आलू अदरक से लेकर हर सब्जी का साइज बढ़ता है। इस नुस्खे से पैदावार भी बढ़ती है और फसल की जड़ों में कीड़ों की टेंशन भी नहीं रहती। तो इस सप्ताह इतना ही, जल्द मिलेंगे नई गुड स्टोरी के साथ। मैं आज आपको जैविक खेती के लिए उपयोग होने वाले जीव अमृत के बारे में बताऊंगा। जीव अमृत के बनाने के लिए इसके पहले सबसे पहले एक 200 लीटर ड्रम की जरूरत पड़ती है और इसके साथ सामान जो है 10 किलो गोबर, 10 किलो 10 लीटर गूंथर गाय का, और इसके साथ किसी बड़े पेड़ की जैसे बरगद पीपल या आम, इनके पेड़ के नीचे की मिट्टी 2 किलो, और 1 किलो बेसन और 2 किलो गुड़। इस प्रकार इसका मिश्रण बना करके और इसके साथ फिर दही दूध और घी ये भी इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से मिक्सचर जो बन जाता है, और इसके बाद इसको मिलाकर घोल बना करके इसको ड्रम के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि आप ड्रम देख रहे हैं, इस ड्रम के अंदर हमने ये डाल दिया है और इसको अभी हम इसको हर दिन जो है इसको घुमाते हैं। 7 दिन तक इसको अच्छी तरह से छोड़ना है और छोड़ने के बाद ये 7वें दिन जो अच्छी तरह से खाद बन जाएगी। ये इसको फिर हम खेत में किसी भी चीज़ के छोटे पौधे बड़े पौधे खाने वाली चीज़ें या कैसे भी फसल हो उसको हम देते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है।
हिमाचल में ऐसे हजारों किसान हैं जो बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं उगाते हैं, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है कांगड़ा जिला का नामी प्रगतिशील किसान परिवार। जिला मुख्यालय धर्मशाला से सटी चैत्रू पंचायत के बनवाला गांव में दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित दिवंगत विधि सिंह दरिद्र का परिवार आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। समय समय पर किसानों को कामयाबी की राह दिखाने वाले इस परिवार ने इस बार बंजर जमीन पर कॉफी के 450 पौधे तैयार किए हैं, जिन पर फसल भी खूब हो रही है। पौधों की देखरेख करने वाले उनके बेटों संतोष कुमार और जितेंद्र ने बताया कि तीसरे साल कॉफी के पौधे फसल देना शुरू कर देते हैं। स्वर्गीय विधि सिंह के बेटे जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसको सुखाने के बाद जो हमारे घर में चक्कियां हैं, जो पुरानी चक्कियां होती थी जिसमें हम दाल वगैरह को तोड़ते थे, उसी से सुखा के इसमें से अंदर का जो कॉफी का मेन वो निकल जाता है और बिल्कुल साफ होके इसके जो है वो जैसे कि मसाला गर्म करते हैं, हम मसाला जैसे पकाते हैं उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर जाके मिक्सी या किसी चीज़ में भी पतला कर सकते हैं, ब्रीक कर सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। तो ये जो पहले वैसे जैसे कॉफी बाजार में बिकती है वैसी कॉफी होती है सारी, उससे कहीं बढ़िया कॉफी है। अच्छा, बढ़िया कॉफी है। तो इसकी मार्केट में कितनी डिमांड है? यहाँ पे डिमांड बहुत है, लोकल डिमांड, ऑर्गेनिक चीज है, लोकल डिमांड बहुत है, लोग मांगते हैं। अब हमारे से कॉफी तैयार होगी तो हमें भी तो मगर नहीं, हमारे पास अभी है नहीं कि लोगों को दी जाए। फिलहाल तो हम अपने लिए या कुछ यार दोस्त अच्छे जो इनके लिए दे रहे हैं कि इनके देखो कैसी चीज है। ये कॉफी के पौधे एक एग्रीकल्चर पालमपुर से इसका प्रोजेक्ट चला है 2-3 साल पहले, वहीं से वो गवर्नमेंट ने हमें ये पौधे दिए हैं। तो ये 3 सालों में इसमें फल आने शुरू हो गए हैं और इस बार 2016-17 में लगे थे ये पौधे और इस बार 19 में इसमें फल आने शुरू हो गए। इस बार 5-7 किलो कॉफी जो है वो निकल गई है। मैं एक किसानों का एक समूह बनाना चाहता हूँ जिसमें सभी लोग जिनकी बेकार ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पे ये कॉफ़ी के पौधे लगाए जाएँ, तो हम जब इकट्ठे होकर ज़्यादा तादाद में अगर निकलेगी तो सभी किसान भाइयों को इसका प्रॉफिट मिलेगा। कल तक किसान बागवान भाइयों को लग रहा था कि इस बार बारिश ज्यादा हुई है, जमीन में नमी भी ज्यादा है, लेकिन चंद दिन की धूप ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। सब्जी के खेत सूखे से नजर आ रहे हैं, इससे ज्यादातर किसान भाई मायूस हैं। इसी मसले को लेकर दिव्य हिमाचल वेब टीवी ने नौणी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश भारद्वाज से बात की। डॉक्टर सतीश ने कहा कि इस मौसम में मटर, टमाटर तथा मिर्च व बेल वाली सब्जियों में समय समय पर सिंचाई जरूरी है। इसी तरह प्याज में नाइट्राइजन खाद डालने का यह सही समय है। बागवानी में सेब, आड़ू, बेहमी, अखरोट आदि के बीजों को क्यारियों में बीजने से पहले स्टेंटिफिकेशन के लिए डालें। नींबू प्रजाति व लीची में जस्ते की कमी को पूरा करने के लिए 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 500 ग्राम अनभूजा चूना प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो यह रहे मौसम के हाल, अब मिलेंगे अगले हफ्ते। और अब चलते चलते एपीएमसी ने 98 आढ़तियों पर दर्ज की एफआईआर, पेमेंट ना देने तक रिन्यू नहीं होंगे लाइसेंस। हिमाचल किसान यूनियन ने पूछा, धान बीज के भुगतान में देरी करने वाले अफसरों पर एक्शन कब? और हिमाचल के निचले इलाकों में आलू खराब, फरवरी की बारिश ने बिगाड़ा खेल। और अब वक्त हो गया है किसान भाइयों के मनोरंजन का, तो आइए देखते हैं ये हिमाचली गीत। तेरे बिना तेरे बज मुश्किल होया जीना, ओ दिल मेरा लगदा नहीं तेरे बिना तेरे बज
आज मुश्किल होया जीना, कर जरा मेरे पास गौर छोरिए, कर जरा मेरे पास गौर छोरिए, मेरे साई मिलना निखोर गोरिए, दिल डूब गाना होया मेरी जमाना होया अपना हाल छोरी। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना खूब ख्याल रखिए।